सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्ट्रेन एक्सटी टैबलेट के बारे में। अब इस मेडिसिन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लेना है, क्या प्राइस है, ये सारी जानकारियां जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो ये जो ऑर्ट्रेन एक्सटी टैबलेट है, अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 98 रुपीज़ 68 पैसे में ये आती है और इसमें एक स्ट्रिप मिलेगी जिसके अंदर जो है 10 टैबलेट रहेंगी। तो प्राइस देखिए समय के अनुसार इंक्रीज होता रहता है, तो जो आज का प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो है फाइजर लिमिटेड कंपनी वालों की है, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब इसको ख़रीदना कहाँ से है? तो देखिए, जो भी लोकल एलोपैथी मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप इसको ईजिली परचेस कर सकते हो। अगर हम बात करें कंपोजिशन के बारे में, इस ऑर्ट्रेन एक्सटी टैबलेट में क्या क्या है, तो देखिए इससे जो है आपको आयरन मिलता है जो कि 100 mg में रहेगा। फोलिक एसिड है जिसको आप विटामिन B9 से जानते हो, ये रहेगा 1.5 mg में। इसके अलावा रहेगा इसमें साइनोकोबलामिन जो विटामिन B12 होता है, ये रहेगा 15 mcg में। इसके अलावा जो है एक इसमें जो है मिनरल भी है जो कि 22.5 mg में रहेगा। तो ये सारे कंपोजिशन इसमें अवेलेबल हैं। अब इसके हम फायदे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो ऑर्ट्रेन एक्सटी टैबलेट है ये मेनली बनाई गई है आपको जो है अगर खून की कमी है, अगर आपको एनीमिया की शिकायत है, या फिर आपका HB जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम है, तो खून को बढ़ाने के लिए या फिर खून की कमी है तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हो। और ये जो है आपके RBC को इंक्रीज़ करती है और जो नए सेल्स होते हैं उनको बनाती है, और अगर आप ये लेते हो तो जो कैंसर जो होता है ना उससे बच सकते हैं। अगर आपको खून की कमी रहती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर भी हो सकता है भविष्य में। तो इसके अलावा इसके और भी फायदे हैं, जैसे कि कोई भी आयरन डिफिशेंसी उसमें तो काम करती है, लेकिन आयरन एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाती है। इसके अलावा अगर आपको पैनक्रियाटिक ट्यूमर है तो उसमें भी कई डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, और आपके नर्व्स के लिए काफ़ी अच्छी है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो देखिए, नसों में ताकत भी आती है क्योंकि इसमें विटामिन B12 भी है, फोलिक एसिड भी है, तो नसों के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। और अगर आपको वीकनेस जैसा फील होता है या फिर आपको ज़्यादा स्ट्रेस है, ज़्यादा चिंता करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उसमें भी जो है ऑर्ट्रेन एक्सटी टैबलेट काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा फीमेल लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि फीमेलों में ज़्यादातर इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि खून की कमी, तो फीमेल लोगों का वैसे भी HB ज़्यादातर कम रहता है, तो जो फीमेल होती हैं उन लोगों को जो है ऑर्ट्रेन एक्सटी टैबलेट जो है कई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इधर देखा आपने इसके कितने सारे फायदे हैं, अब हम इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। इधर देखिए, एक टेबलेट आपको एक दिन में एक ही बार लेना होता है, और इसको जो है कुछ भी खाने के बाद लीजिए, चाहे नाश्ता करो या खाना खाओ, उसके जो है 20 से 30 मिनट बाद आप इसको ले सकते हो। और इसको जो है मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन बच्चों के लिए मेडिसिन नहीं है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी भी बिल्कुल इसको ले सकती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंसी में जो है बहुत सारे डॉक्टर इसको जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए, या फिर बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो प्रेग्नेंट लेडी बिल्कुल इसको ले सकती हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह करके ही कोई मेडिसिन ले तो बेहतर होता है। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि नोजे टाइप हो सकता है, या फिर आपको शरीर में खुजली हो सकती है, शरीर में रेसेस आ सकते हैं, वोमिटिंग जो है हो सकती है, या फिर हेडेक हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है अगर आप ये ऑर्ट्रेन एक्सटी टैबलेट लेते हो। तो अगर ऐसा साइड इफेक्ट होता है तो उस कंडीशन में आप इसको बंद कर दें, और चाहें तो डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। आप साइड इफेक्ट हर किसी को वैसे तो नहीं होता है। अब कोई दूसरी मेडिसिन आप पहले से ले रहे हैं तो उसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं? तो देखिए, कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसके साथ बिल्कुल इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से कोई आयरन की या फोलिक एसिड ले रहे हैं तो उसके साथ ना लें, क्योंकि हमको किसी भी मेडिसिन का ओवरडोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी जो है आयरन है, फोलिक एसिड है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि डॉक्टर से सलाह लेना है या कोई भी एक मेडिसिन लेना है। अब कब तक लेना है तो देखिए डिपेंड करता है आप क्यों लेना चाहते हो, आपको क्या बीमारी है, या फिर आपको खून की कमी है तो कितनी खून की कमी है, कितना HB है, उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर प्रेग्नेंट लेडी इसको लेती है तो वो लंबे समय तक ले सकती है, क्योंकि डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं लंबे समय तक के लिए, हो सकता है कि 6 महीने, 9 महीने, 1 साल तक भी लेना पड़े जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं। तो प्रेग्नेंसी की बात एक अलग होती है, लेकिन अगर आपको खून की कमी है तो आप चाहे तो इसको 3 महीने लेकर देख सकते हैं। और रिजल्ट कब तक मिलेगा, तो देखिए रिजल्ट 1 महीने बाद ही मिल जाएगा। अगर आप 1 महीने बाद आपका ब्लड टेस्ट करवाओगे, मान लीजिए HB टेस्ट करवाओगे, तो आपका HB कितना बढ़ गया है। अब इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप ये ऑर्ट्रेन एक्सटी टैबलेट लेते हो तो
आपको अल्कोहल नहीं लेना है और कोशिश करिए कि हेल्दी डाइट लीजिए। ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो खाइए, फाइबर खाइए, ये फ्राई मीठा ये सब मत खाइए, फ्राई मीठा जंक फूड, ज़्यादा मसाले वाला खाना ये सब नहीं खाइए। और पानी भी ज़्यादा पीजिए, कई लोग पानी कम पीते हैं तो पानी भी जो कम पीते हैं उनको काफ़ी समस्या होती है। तो मेरा वीडियो इधर ही ख़त्म होता है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और अभी भी कोई डाउट इस मेडिसिन को लेकर तो आप कमेंट द्वारा मुझे पूछ सकते हो। और इस टाइप से अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो हेल्थ से रिलेटेड, जो कि मैं डेली लाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।